हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीएमटीसी 1C1 के सभी जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो बात हम करेंगे, है ना। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को से कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करवा रही हूँ। तो वहाँ पर मैं क्या सोच रही हूँ कि आप लोग पहले बुक पढ़ चुके हैं, आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में पता है, तो उसके हिसाब से मैं करवा रही हूँ। तो आप लोगों को कुछ कुछ एक दो कमेंट आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मतलब मैंने सोचा कि आप लोग पहले बुक पढ़ते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो अभी से मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करूँगी तो एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो अभी देखिए, यूनिट 1 सेट एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो सेट में से कौन सा पढ़ना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो अगर दो सेट दिया होगा वहाँ पर आप लोगों को दिया होगा कि इसका ये डी मॉर्गन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये बताइए, वो भी हो सकता है, मतलब उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर टू मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यूनिट 2 फंक्शंस। फंक्शन में क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन दिया होगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो रिफ्लेक्स सिस्टमैटिक ट्रांसिटिव कैसे दिखाना है वो आप लोगों को करना है। यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का कॉम्पोजिशन एफ एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ एस ये कैसे करना है वो देख लीजिएगा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और फिर डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। कौन सा एक फंक्शन दिया होगा उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब आते ही हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यूनिट 3 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और MT1 जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पर तो ये चैप्टर ही नहीं था, मतलब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर MT5 में था, तो इसलिए वहाँ से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पोलर में कैसे कॉन्वर्ट करते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो है तो आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करना है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा गया है एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम, उसके बाद रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लीजिएगा, मतलब 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए यूनिट 5 पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ से तो एक ही क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और फिर दिया जाता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर इसका इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, मतलब बीटा प्लस गामा, और फिर गामा प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस अल्फा, ये किसका किस इक्वेशन का रूट है बताइए, इस तरीके से दिया होगा, तो दोनों टाइप का कर लेना। और उसके बाद यूनिट 6 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में पढ़ना क्या क्या है, सुप्रीमम और इन्फिमम क्या क्या है, इवन ऑड मोनोटोनिक पीरियोडिक फंक्शन कौन सा, मतलब दिया होगा आपको कि फंक्शन एक बताइए कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या फिर ट्रू और फॉल्स में दिया होगा कि ये ऑड फंक्शन है, ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ये इवन फंक्शन है, या फिर ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये इवन है या ऑड है। उसके बाद चले आते हैं हम यूनिट 7 में लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट में आप लोगों को पढ़ा क्या गया है, यहाँ पर फाइंड लिमिट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, या फिर डेफिनेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट, दोनों का मतलब सेम है, और फिर फाइंड लिमिट्स मतलब लिमिट दिया होगा, लिमिट एक्सटेंशन मतलब जैसे कि लिमिट दिया होता है वहां पर आपको डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू निकालना होता है उस तरीके से। उसके बाद यूनिट 8 कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी पॉइंट और इंटरवल्स, और डिसकंटिन्यूटी भी यहाँ पर दिया जाता है, तो डिसकंटिन्यूटी। कि कौन से पॉइंट में डिसकंटिन्यूटी है या फिर नहीं है वो दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद यूनिट 9 में पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, वहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला जितना सारा है वो तो शायद याद है आप लोगों को, फिर से याद कर लेना। उसके बाद चेन रूल थोड़ा सा देख लेना, मतलब DUdx और DYdx
मतलब यू इक्वल्स टू ऐसे पुट करके मतलब डी वाई डी एक्स निकालना है चेन रूल के मदद से, तो वो थोड़ा सा देख लेना। यूनिट 10 में डेरिवेटिव्स जितने सारे दिया हो, मतलब ऐसे होता है ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स करके जो भी मतलब था, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर लॉग एक्स, या फिर लॉग एक्स पावर एक्स ऐसे, सॉरी लॉग एक्स पावर एक्स शायद, मतलब इस तरीके से जो भी दिया होता है ना जो फंक्शंस लॉग एक्स पावर एक्स, तो इस टाइप के जो भी मतलब दिया होता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं है ना। और उसके बाद देखिए मतलब बाकी डेरिवेटिव भी आते हैं पर ये ज्यादा आते हैं, तो बाकी डेरिवेटिव भी कर लेना आप लोगों ने बताया। देखिए मैं जो बता रही हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये समझ के मैं बोल रही हूँ। मैंने MT1 और BMTC131 के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है ना। यूनिट 11 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में लिबनीज थ्योरियम और फिर टेलर्स अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों करना है। टेलर्स में ही मैक्लोरियंस आते हैं क्योंकि टेलर्स में एफ ऑफ मतलब एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो तो वहां पर मैक्लोरियंस आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट 12 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में, कौन सा फॉर्म इंडिटरमिनेंट में, मतलब आपको एक फंक्शन दिया होगा तो बताइए कि ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में है। और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कैसे होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसके हिसाब से हम कैसे करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल में आपको आपको अगर फंक्शन दिया होगा और फिर बताए कि ये एल हॉस्पिटल रूल फॉलो करता है, तो वहाँ पर ए एंड बी का मतलब ए बी दिया होगा एक फंक्शन में और उसका वैल्यू दिया होगा, मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इतना है, बताइए ए एंड बी का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। और फिर आ जाते हैं आप यूनिट 13 पर। यूनिट 13 में है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में आप एक्सट्रीमा मतलब रिलेटिव एक्सट्रीमा और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकाल लीजिएगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने का फॉर्मूला क्या, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे इक्वल्स टू जीरो करेंगे, यहाँ पर एक्स इक्वल्स निकालेंगे, तो एफ डबल डैश में उस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा लेस देन आ जाएगा। अगर लेस देन आ जाएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और जो ग्रेटर देन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिमम। तो MVT मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, कहाँ पर पुट होते, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है या नहीं, लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई कर रहा है या नहीं। और एक था कोचीज MVT, तो वो तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद यूनिट 14 कर्वेचर, तो कर्वेचर में एक कर लेना टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेना। उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो ये तो दिया हुआ है आप लोगों का मतलब December 2021 में। और फिर सिंगुलर पॉइंट निकालना, सिंगुलर पॉइंट है या नहीं ये बताइए, ठीक है ना। तो उसके बाद है यूनिट 15 एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स निकाल लीजिएगा, मतलब बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है पैरेलल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का फॉर्मूला, मतलब किस तरीके से निकालते हैं। आप लोग डेफिनेशन पढ़िए, दो एक क्वेश्चन कीजिए, मतलब बहुत अच्छे से गिवन है, आप लोग कर सकते हैं मतलब क्वेश्चन का आंसर बुक पढ़ के ही। उसके बाद यूनिट 16 कार्पेट ट्रेसिंग, कार्पेट ट्रेसिंग मुझे मतलब सबसे घटिया चैप्टर लगता है, मुझे लगता है आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं। यहाँ पर 10 मार्क्स एक ही क्वेश्चन में है, और फिर सभी मतलब आप लोगों को यहाँ पर 10 जो दिखाना है, मतलब उसका सभी निकालना है, जितना सब कुछ कार्प का एक हो सकता है सब निकालना है, दो में निकालना है उसको, सिंगुलर पॉइंट, टेंजेंट नॉर्मल, मतलब एसिम्प्टोट्स सभी निकालना है, और कार्प जो है सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब सभी निकालो, उसके बाद कार्प को ट्रेस करो, ठीक है ना। तो ये मुझे तो सही नहीं लगता है, मतलब ये 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, अगर कहीं पर हो गया गड़बड़ तो पूरा मार्क्स गया, तो इसके हिसाब से मैं ये प्रेफर नहीं करती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है कि एक ही क्वेश्चन में 10 10 मार्क्स आ रहा है, तो 3 4 क्वेश्चन क्यों करना है, तो कार्ड ट्रेसिंग कर सकते हैं आप लोग, वैसे अच्छा ही है ना। यूनिट 17 इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेबिलिटी, कोई फंक्शन कहाँ पर इंटीग्रेबल है, ठीक है ना। तो बुक में देखिएगा कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट में ही बुक नंबर 5 के फर्स्ट में ही दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है, तो वहां पर आप लोग कर सकते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कहाँ पर है वो तो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ, है ना, मतलब अभी नहीं दिखा सकती हूँ कहाँ पर है ये, थोड़ा
थोड़ा सा देखना होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि इंटीग्रेबिलिटी देखना और फिर फॉर्मूला, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जी जी एक्स और जी वन एक्स और जी टू एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर रहता है उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये बहुत आता है ना, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और उसके बाद देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स और रेशनल और इरेशनल फंक्शन, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशनल फंक्शन भी आता है ना, और उसके बाद यूनिट 19 रिडक्शन फार्मूला में आप लोगों को सभी मतलब रिडक्शन फार्मूला में जितने सारे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सभी एग्जांपल का सॉल्यूशन करना है ना, और फिर जो साइन साइन पावर एंड कॉस पावर एंड सभी का मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लीजिएगा, और फिर यूनिट 20 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पर दो ही दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन में, एरिया अंडर ए कार एंड लेंथ ऑफ ए प्लेन का, ठीक है ना, आ गया। तो मतलब देखिए यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सारी ये सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, और अगर यहाँ से बाहर कुछ आ गया ना तो मतलब आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने 10-20 ईयर्स का मतलब 2009 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन पेपर, जितना सारे क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन पेपर देख कर मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप लोग देखिएगा यहाँ से पढ़िएगा और क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अगर आप लोगों को पास होना है मतलब सिर्फ पास होना है तो ये मतलब काफी है, मैं कह रही हूँ कि 70-80% मार्क्स आ जाएगा यहाँ से, 70% तो मास्ट आ ही जाएगा, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।